वेलकम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। और इसमें अब तक जो हम कर चुके हैं वो टाइप्स ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसके बाद हाइड्रोलिक एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और उसमें एक नई चीज़ जो आपको पता लगी थी वो थी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन फ्लूइड्स के केस में या लिक्विड्स के केस में और एनर्जी की फॉर्म होती है प्रेशर एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी जो किसी भी लिक्विड के अंदर होती है वो इन तीनों का अल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। और ये भी बताया था कि हम हाइड्रोलिक्स में एनर्जी को हेड की फॉर्म में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टोटल हेड ऑफ द लिक्विड, विच इज द सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड। एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और हेड की यूनिट होती है मीटर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो एनर्जी की जगह हम हेड की टर्म यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीस थ्योरम। बर्नौलीस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? ये जो थ्योरम है वो डिवाइस की थी डेनियल बर्नौलीस, उसने दी थी ये थ्योरम और फ्रिक्शनलेस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है। तो 1738 में इस स्विस इंजीनियर ने ये थ्योरम दी थी। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कोस फ्लूइड, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी, या उसके जगह लिख सकते हैं टोटल हेड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कोस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो थ्रू ए पाइप और इन ए स्ट्रीम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लो प्रोवाइडेड देर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी अलोंग द फ्लो। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा फ्लूड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कॉस या आइडियल फ्लूड है, अगर वो स्टेडी फ्लो में है तो जो उसकी एनर्जी है डिफरेंट सेक्शंस पे अगर मेजर करेंगे तो वो सेम मिलेगी, अगर हम उन सेक्शंस के बीच में कोई एनर्जी या ऐड भी ना करें और ना सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि कोई सोर्स या सिंक बीच में ना हो तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगी। ये इसका कहने का मतलब है। या हम ये कह सकते हैं, आप इसको ये समझो कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसकी ही ये एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक्स के अंदर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कई तरह से उसको स्टेट किया जा सकता है, जैसे कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड देर इज नो एडिशन और डिलीशन और देर इज नो सोर्स और सिंक अटैच टू द सिस्टम, या एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इफ एन एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स देन इट रीअपियर्स इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक रूप में अगर एनर्जी खत्म होती है दूसरे रूप में अवतरित हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि टोटल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। एक इलेक्ट्रिकल से साउंड में कर लिया, साउंड से इलेक्ट्रिकल में कर लिया, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो वो फॉर्म चेंज होगी लेकिन एनर्जी हमेशा उतनी ही रहेगी, ना उसको हम खत्म कर सकते ना उसको हम क्रिएट कर सकते, केवल चेंज कर सकते हैं फॉर्म। तो ये भी उसी की एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये आपको याद भी हो जाएगी। इसको अगर समझने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मान लो कि ये स्ट्रीम लाइन है या पाइप लाइन है जिसमें स्टेडी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और फ्लूड जो है हमारा वो नॉन विस्कॉस या फ्रिक्शनलेस फ्लूड है और इनकम्प्रेसिबल है। तो हम उसके तीन सेक्शन ले उस फ्लो के अलोंग, एक सेक्शन, दो सेक्शन और तीन सेक्शन,
और उन पे हम एनर्जी मेजर करें और उनको कंपेयर करें तो वो बराबर होंगे। ठीक है, मान लो सेक्शन 1-1 पे P1 इज द प्रेशर एनर्जी, P1 इज द प्रेशर इंटेंसिटी, V1 इज द वेलोसिटी एंड ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड एट सेक्शन 1-1। सिमिलरली एट सेक्शन 2-2 P2, V2, ρ2। सिमिलरली एट 3 P3, V3 एंड ρ3। ठीक है, तो टोटल एनर्जी या टोटल हेड सेक्शन 1-1 पे कितना होगा? P1 अपॉन W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। ठीक है, यानी कि प्रेशर हेड एट सेक्शन 1, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 एंड पोटेंशियल हेड एट सेक्शन 1। अब ये पोटेंशियल हेड भी आप देख लो, ये सेंटर लाइन है पाइप की, तो एक ये डेटम लाइन ले ली हमने, ये है डेटम लाइन। इससे जो सेंटर है सेक्शन 1-1 पे वो उसकी हाइट Z1 है, सेक्शन 2-2 का जो सेंटर है वो Z2 हाइट हो गई, और सेक्शन 3 का जो सेंटर है वो Z3 हाइट है। अब एक चीज और है, अब इसमें डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3 लिखा है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है ये, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कोस है। इनकम्प्रेसिबल हुआ तो डेंसिटी विल रिमेन सेम, तो समझ लो कि वो रो है। तो स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है? रो इंटू जी। तो प्रेशर हेड जो है वो प्रेशर इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट जो है कॉन्स्टेंट है। तो प्रेशर हेड एट 1, वेलोसिटी हेड एट 1, पोटेंशियल हेड एट 1, इनका सम हो गया टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1। सिमिलरली सेक्शन 2-2 पे कितनी एनर्जी होगी? प्रेशर हेड एट 2, वेलोसिटी हेड 2, पोटेंशियल हेड एट 2। इसी तरह से 3 पे, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या बर्नौली थ्योरम के हिसाब से डिफरेंट सेक्शन पे एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि टोटल हेड एट 1-1 इज इक्वल टू टोटल हेड एट 2-2 इज इक्वल टू टोटल हेड एट 3-3। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट इस तरह से याद करनी है, और इसके अलावा आपको इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2G प्लस जेड इज कॉन्स्टेंट, ये इसका मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन है। ये की चीज क्या है? टोटल हेड इज कॉन्स्टेंट और कंडीशन जो उनके हिसाब से, तो मैथमेटिकली बर्नौली थ्योरम कैन बी रिटन एज प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि जो हमने ये लिखा है इसको लिखने का तरीका ये है। तो हमने क्वेश्चन आ जाता है बट स्टेट गिव द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो लिख के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी उसमें लिख लेना है, और पी अपॉन डब्ल्यू को बताना है प्रेशर हेड इन मीटर ऑफ लिक्विड, वी स्क्वेयर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड मीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है, जेड इज द पोटेंशियल हेड डेटम हेड इन मीटर ऑफ लिक्विड। तो ये है हमारा बर्नौली थ्योरम के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशंस ली हैं, बर्नौली थ्योरम को जो प्रूव किया है तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस लेके चले हैं। एक तो एजम्पशन ये है कि फ्लूड जो है आइडियल है, तो ये मान के चले, ये तो आपको भी पता है कि आइडियल फ्लूड कोई नहीं होता, इसलिए एज्यूम किया है। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तो ये भी जो है पूरी तरह से सच नहीं है, फ्लूड कुछ ना कुछ कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन लिक्विड्स को हम जनरली इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, तो ये भी एक एजम्पशन है। फ्लो इज स्टेडी, ये मान के चले कि फ्लो है हमेशा ही स्टेडी है जब हमने ऑब्जर्वेशन ली है, और एंड फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब है ये भी एक टाइप का फ्लो होता है, रोटेशनल एंड इरोटेशनल। इसमें क्या होता है, अगर रोटेशनल फ्लो हम मान रहे हैं, ठीक है मान लो रोटेशनल फ्लो, तो उसमें ये मानते हैं कि मान लो एक पार्टिकल है, तो ये मानते हैं कि ये जब मूव कर रहा है तो ये साथ में रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो, अगर पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल। तो इसमें हम ये भी मान के चले हैं कि ये इरोटेशनल फ्लो है, तो ये एजम्पशंस है। तो कई बार एग्जाम में 2 नंबर में ये भी पूछ रहे थे, राइट डाउन द एजम्पशंस मेड इन बर्नौली थ्योरम, तो आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम, इसको प्रूव करते हैं हम कि भाई ये बात जो कही है भी टोटल हेड जो हर एक सेक्शन पे जो वो सेम मिलेगा, तो हम मैथमेटिकली
या उसको एनालिटिकली हम उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव करेंगे, लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बर्नौलीज थ्योरम का तो उसमें भी प्रूव करेंगे। तो थ्योरेटिकली इसको प्रूव करने के लिए सपोज एक पाइप फ्लो है, ये पाइप है, ठीक है, और इस पर हमने दो सेक्शन ले लिए, ए ए और बी बी, ए बी और सी डी, ये दो सेक्शन लिए हमने, ए बी सेक्शन ये हो गया और सी डी सेक्शन ये हो गया। और जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, वो सब एजम्पशंस हैं। और मान लो ए बी सेक्शन पे जो एरिया है वो है ए वन, और प्रेशर इंटेंसिटी है पी वन, और वेलोसिटी है वी वन, ठीक है, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे जो सेंटर पॉइंट है वहां पे ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सी डी पे जो वैल्यूज हैं, एरिया ए टू, प्रेशर इंटेंसिटी पी टू, एंड वेलोसिटी वी टू। और एक डेटम लाइन भी ली हमने, उससे हमने ए पर जो सेंटर है वन, इसको हमने वन बोल दिया और इसको टू बोल दिया, इस पर इसकी जो हाइट है वो डेटम लाइन से जेड वन है और इससे हाइट जो है जेड टू है। तो ये हम लेके चलते हैं। अब इसके बाद मान लो कि एक टाइम इंटरवल डी टी के बाद, एक टाइम इंटरवल डी टी के बाद ये जो है एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के बाद जो फ्लूड यहां है ए बी पर, वो फ्लूड थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है ए डैश बी डैश तक, ठीक है, ए डैश बी डैश, और सी डी पे जो फ्लूड था उस टाइम पे वो शिफ्ट हो गया उसी टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो ये जो है एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी लिया हमने, जिसमें कि इतना यहां पर जो फ्लूड था वो यहां पहुंच गया, ठीक है, यानी कि इतनी मूवमेंट होगी। इसी तरह से जो सी डी पे जो फ्लूड था वो यहां पहुंच गया सी डैश डी डैश पे, ठीक है। डी टी इज द टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर की उस स्मॉल टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक की हुई सपोज वो डेल्टा एल वन, और यहां से यहां तक हुई वो डिस्टेंस कवर हुई डेल्टा एल टू, ठीक है। तो सपोज जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है मान लो डेल्टा वी वन, डेल्टा वी, डेल्टा एल वन, डेल्टा वी वन और डेल्टा डब्ल्यू वन, ठीक है। ये क्या चीज है, ये चीज है लेंथ वॉल्यूम एंड वेट ऑफ लिक्विड कॉलम स्ट्रिप बिटवीन ए बी एंड ए बी ए डैश बी डैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसके बीच में जितना फ्लूड है, ठीक है, उसकी लेंथ तो है डेल्टा एल वन, और जो टोटल वॉल्यूम है इसके बीच में फ्लूड की वो डेल्टा वी वन, और जो टोटल वेट है इसका स्ट्रिप के अंदर वो है डेल्टा डब्ल्यू वन। इसी तरह से सी सी डैश और डी डी डैश के बीच में जो फ्लूड है उसकी जो लेंथ है डेल्टा एल वन, वॉल्यूम डेल्टा वी वन एंड वेट डेल्टा डब्ल्यू टू, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जितना ये फ्लूड है, ठीक है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है और कंटिन्यूटी इक्वेशन, जितना इधर फ्लूड मूव हो इतना ही आगे भी हुआ होगा। अब इसके अंदर जितनी एनर्जी है यहां पर और यहां पर जो एनर्जी है हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो लिक्विड कॉलम है वन पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट वन, कितना होगी? अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी था वेट इनटू हाइट फ्रॉम द डेटम लाइन,
हम हेड की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल हेड की बात कर रहे हैं, एनर्जी हम लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हेड है, तो किसके बराबर होगा? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी जेड के बराबर होती है। तो एम जी क्या है? वेट है। तो छोटी सी स्ट्रीम में जो वेट है वो कितना है? डेल्टा डब्ल्यू वन। तो डेल्टा डब्ल्यू वन जेड वन, और दो पे कितना होगा? डेल्टा डब्ल्यू टू जेड टू। यहां पर जो है पॉइंट वन पे जो इस कॉलम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है और इस पे इतनी है। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां के बीच में बिटवीन पॉइंट वन एंड टू, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो कितना हो गया? पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, तो हो जाएगा वो डेल्टा पीई कर देते हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू वन जेड वन माइनस डेल्टा डब्ल्यू टू जेड टू। तो ये हो गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? होती हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, अगर वेट हम लेके चल रहे हैं तो सेक्शन वन पे डेल्टा डब्ल्यू वन वी वन स्क्वेयर अपॉन टू जी, ठीक है, और टू पे डेल्टा डब्ल्यू टू वी टू स्क्वेयर अपॉन टू जी, ठीक है। अब क्योंकि ये ढलान पर है तो हम ये देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसको लिखते हैं डेल्टा के ई ठीक है। तो ये हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक चीज और देखना कि डेल्टा डब्ल्यू वन और डेल्टा डब्ल्यू टू, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इससे ऊपर वाले भी इसको ठीक कर लें, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल तो ये सेम रहेंगे, तो दोनों को मैं एक ही लिख सकता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू वन ही लिख दूं। यहां भी डेल्टा पी ई इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू वन कॉमन ले लिया, जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसी तरह डेल्टा डब्ल्यू टू और डेल्टा डब्ल्यू वन कॉन्स्टेंट है, सेम ही है, तो डेल्टा डब्ल्यू वन ही ले लेते हैं। तो डेल्टा के ई डेल्टा डब्ल्यू वन कॉमन वी टू स्क्वेयर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू जी, ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी, प्रेशर एनर्जी, अब बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की। तो प्रेशर एनर्जी जो है वो वन पे कितनी होगी? वो है डेल्टा डब्ल्यू वन पी वन अपॉन डब्ल्यू, और टू पे कितनी है? डेल्टा डब्ल्यू टू पी टू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां से यहां तक जब लिक्विड ये गया है, ठीक है। तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी, ठीक है, डेल्टा प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब ये दोनों सेम है तो हम डेल्टा डब्ल्यू वन कॉमन लेके सिमिलरली पी वन अपॉन डब्ल्यू माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू, तो ये प्रेशर एनर्जी जो है वो चेंज है। तो ये तीन इक्वेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि लॉस ऑफ एनर्जी
इज इक्वल शुड बी इक्वल टू गेन इन एनर्जी, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी शुड बी बिटवीन पॉइंट वन एंड टू शुड बी इक्वल टू गेन इन एनर्जी बिटवीन पॉइंट वन एंड टू। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू वन पी वन अपॉन डब्ल्यू माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू, ये तो होगी प्रेशर एनर्जी का लॉस, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ये किसके बराबर होना चाहिए, गेन इन केवल काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा डब्ल्यू वन टू वी टू स्क्वेयर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू जी, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस किया एनर्जी को, तो क्योंकि ये सब सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा पी वन अपॉन डब्ल्यू माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू वी टू स्क्वेयर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू जी। अब रीअरेंज करके अगर लिख दें हम तो पी वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस वी टू स्क्वेयर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। तो ये जो है हमारा प्रूव हो जाता है कि पहले सेक्शन पर जितनी टोटल एनर्जी थी उतनी ही दूसरे सेक्शन पे भी है, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लिख देते हैं फिर इक्वेशन को, क्या पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वेयर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एक और तरीका है प्रूव करने का, अगर आप देखना चाहें सिंपल सा तरीका है, मान लो एक टैंक में लिक्विड भरा हुआ है और एक पाइप इसकी ओपनिंग है ये, ठीक है, और उसकी सेंटर लाइन जो है एक्स एक्सिस की सेंटर लाइन है, तो यहां से इसका लेवल जो है पानी का टैंक में वो एच है, कैपिटल एच। तो हमने दो पॉइंट तीन पॉइंट ले लिए ए बी और सी, ए पॉइंट तो हो गया बिल्कुल टॉप सरफेस पे, बी इसकी सेंटर लाइन पे और सी इसके बाहर, ठीक है। अब बर्नौली थ्योरम के हिसाब से टोटल हेड एट ए शुड बी इक्वल टोटल हेड एट बी इक्वल टू टोटल हेड एट सी, यानी कि टोटल हेड जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होना चाहिए, सेम यहां पर होना चाहिए अगर इस लिक्विड को हम देखें, ठीक है। तो टोटल हेड ए पे कितना है, पी ए अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड ए प्लस वी ए स्क्वेयर अपॉन टू जी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या चीज है, प्रेशर हेड अबव ए, अब प्रेशर हेड अबव ए क्या हो, इसके ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर और तो कुछ है नहीं, तो पी ए अपॉन डब्ल्यू हो गया जीरो। एज पॉइंट ए इज एस मीटर अबव द डेटम लाइन, अब डेटम लाइन हमने एक्स एक्स ही ले ली, इससे एच हाइट, तो इसका पोटेंशियल हेड हो गया इतना एच के बराबर, जेड ए इज इक्वल टू, और क्योंकि यहां पर कोई मोशन नहीं है लिक्विड में, ठीक है, तो वेलोसिटी हेड भी इसका जीरो हो जाएगा। तो टोटल हेड जो है पॉइंट ए पे वो है एच। अब पॉइंट बी पे आ जाओ, अब यहां पर प्रेशर हेड कितना है, क्योंकि इसके ऊपर इतना बड़ा कॉलम है, ठीक है, तो ये वाला कॉलम की वजह से प्रेशर हेड आएगा, तो पी अपॉन डब्ल्यू किसके बराबर होगा, टोटल हाइट जो इसके ऊपर है एच के बराबर। पोटेंशियल हेड कितना होगा, क्योंकि इसी लाइन पे है तो वो जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी हेड कितना होगा, अब क्योंकि टैंक के अंदर उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हेड भी इसका वो जीरो होगा, ठीक है। तो टोटल हेड यहां पर तीनों मिला के एच था, अब यहां भी तीनों मिला के कैपिटल एच ही है। अब सी पॉइंट पर जो कि बाहर है, अब सी पॉइंट पे देखेंगे अगर, तो इसके ऊपर जो है प्रेशर हेड कितना है, क्योंकि इसके ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही, इसके ऊपर तो है ही नहीं कुछ, तो प्रेशर हेड हो गया जीरो। पोटेंशियल हेड क्योंकि इस लाइन पे ही है तो पोटेंशियल हेड भी जीरो है। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है बाहर, फ्लो जा रहा है इसका, इसके ऊपर वेलोसिटी आ गई है इसमें, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, वी स्क्वेयर अपॉन टू जी, वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इसके हेड के बराबर ही होगी, जो ये हेड है जो इतना कम हुआ वही वेलोसिटी बना, तो वो एच के बराबर है। तो टोटल हेड इसमें भी एच के बराबर है, यानी कि पहले तीनों जगह पर टोटल हेड इतना ही है, तो इट इज द प्रूफ
प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम, टोटल हेड एट ए, एट बी एंड एट सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो बच्चों, बर्नौली थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या स्टेटमेंट है, उसको कैसा हमने उसको प्रूव करना थियोरेटिकली, और इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी याद आते हैं। तो आपको बर्नौली थ्योरम में इतना तो याद रखना पड़ेगा, जो इक्वेशन है कि P1 अपॉन W, ठीक है, प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2Z इज इक्वल टू P2 अपॉन W प्लस P प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2Z। तो ये इक्वेशन तो जो है ना आपको याद रखनी ही है, इसको कई बार यूज करेंगे हम एग्जाम, ठीक है, इसी न्यूमेरिकल्स में। जैसे एक न्यूमेरिकल है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर्स 20 एंड 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड 2। अभी डायग्राम आप देखो मत, जैसे हमने बताना है उस हिसाब से हम खुद बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 35 लीटर्स पर सेकेंड, द सेक्शन 1 इज 6 मीटर अबव डेटम एंड सेक्शन 2 इज 4 मीटर अबव द डेटम। द प्रेशर एट सेक्शन 1 इज 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। अब क्या कह रहे हैं कि दो सेक्शन दे दिए एक पाइप में जिसके डायमीटर डिफरेंट है, पहले सेक्शन पे 20 है दूसरे पे 10 है, यानी कि पाइप का डायमीटर कम हो रहा है, और जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड अबव 35 लीटर है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो दे दिया आपको लीटर में, और डेटम हेड दे दिया आपको दोनों सेक्शन के, और प्रेशर इंटेंसिटी दे दी एक सेक्शन की। अब ये दूसरे सेक्शन प्रेशर इंटेंसिटी पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए एक डायग्राम, ठीक है। तो जो दिया है इसमें उसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से एक ही डायमीटर कम हो रहा है, दूसरा पहले वाला सेक्शन ऊपर है और दूसरे वाला सेक्शन नीचे, तो हम किस तरह से बना सकते हैं, वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन आ रही है, इस टाइप से ये पाइपलाइन हम दिखा सकते हैं, जैसे इसमें दिखाएं 1 2 ये हो गया। अब इसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2 निकालना है, अब ये निकालना है तो हम कैसे निकालें, हम निकालेंगे बर्नौली थ्योरम से, क्योंकि उसी में जो है ये प्रेशर इंटेंसिटी आ रही है उसी फार्मूले। इससे पहले जो हमने किया था उसमें एरिया और वेलोसिटी था, अब इसमें हमें प्रेशर भी पूछा, तो प्रेशर इंटेंसिटी के लिए हमें बर्नौली थ्योरम इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है वो उसको हम सही यूनिट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। D1 मीटर में लिख लिया, P1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लिया, Z1 ये कर दिया, A1 निकाल लिया हमने एक सेक्शन का, A1 डायमीटर से निकाल लिया। इसी तरह सेक्शन 2 पे जो जो दिया हुआ है, केवल P2 नहीं दिया, ये हमने निकालना है। रेट ऑफ फ्लो दे रखा हमें, वो लिख लिया, ठीक है। 35 लीटर दिया है तो लीटर को हमने मीटर क्यूब में करना है, तो कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर जो है वेलोसिटी, अब इसने आगे निकाल ली, अब क्यों निकाल ली, देखो क्वेश्चन करना हमें निकालना प्रेशर इंटेंसिटी, अप्लाई करनी बर्नौली, हमें ये अप्लाई करके प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, ये वाली। अब इसके लिए हमारे को जो दे रखा है वो Z1 पहले दे रखा है, Z2 भी दे रखा है, प्रेशर इंटेंसिटी एक पे दे रखी है ये चीज, उसको हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहेगी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है किसी भी सेक्शन पे दे रखी, अब वेलोसिटी कहां से लाएंगे, उसके लिए क्लू दिया हमारे को रेट ऑफ फ्लो, वहां से वेलोसिटी आएगी, ठीक है। एरिया हम निकाल सकते हैं तो वेलोसिटी आ सकती है, दोनों सेक्शंस की वेलोसिटी इससे आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी हेड भी हो गया। अब पूरी इसमें इक्वेशन में केवल हमारे को ये नहीं पता, बाकी सब चीजें हम निकाल सकते हैं, तो सभी की वैल्यूज रख के हमने P2 निकाल लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हमारे को P1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, तो अगर चाहो तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी दे लेते हैं,
एक पाइप दी है जिसके डायमीटर और 30 और 20 दिए हैं, और प्रेशर इंटेंसिटी दे दी है, इसमें केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है। तो बॉटम एंड अपर एंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि बॉटम एंड 30 सेंटीमीटर वाला और अपर एंड है 20 सेंटीमीटर वाला, ये पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसी के हिसाब से डायग्राम बनेगा, उसी के हिसाब से सोल्यूशन होगा। और प्रेशर दे दिया अपर एंड पे इतना। अब पूछ रहे डेटम हेड में क्या डिफरेंस है, यानी कि जेड वन और जेड टू का डिफरेंस क्या है, अगर फ्लो दे रखा है 40 लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो दे दिया। अब फिर हमने ये अप्लाई करनी इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसी से आएगा, ये डेटम हेड का डिफरेंस इसी इक्वेशन से आ सकता है, तो ये वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, पी वन दे रखा है, केजीएफ में दिया उसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करके के मीटर में आ गया, ठीक है। उसको फिर या तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, और न्यूटन में भी करना ही पड़ेगा, इसने नहीं किया है तो आप कर लेना, ठीक है, 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। और एक P2 दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी दोनों साइड की, वेलोसिटी के लिए हमारे को रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, वेलोसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ जब हमारे पास आई जाएगी तो फिर जेड वन जेड टू का डिफरेंस आ ही जाएगा, तो ये इक्वेशन बराबर की, जेड वन माइनस जेड टू की है तो मीटर में आ गए। अब इसने केजीएफ में ही दोनों तरफ क्यों रखा है, इसने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, वैसे प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर यूनिट में ले आओ, क्योंकि दोनों तरफ जब करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है ना, इसलिए इसने केजीएफ को न्यूटन में नहीं किया, अदरवाइज जो अच्छी प्रैक्टिस है कि करना चाहिए। तो सिमिलरली और भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में भी होंगे, तो ट्राई करके देखना और भी, और जिसमें दिक्कत आए या देखना कि इसमें कहाँ किस में क्या चीज़ अलग दी है, किसी बारे में डायमीटर भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो दीज आर द न्यूमेरिकल। तो बर्नौलीज थ्योरम का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ है उनका, ठीक है। तो आप इसको देखो समझो और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की।